हेलो फ्रेंड्स, मोनिका कुकिंग में एक मिनट मुझे हंसी आ रही थी अंदर से। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मोनिका कुकिंग के न्यू रेसिपी वीडियो में। फ्रेंड्स, हलवे की मिठास में आज मैं बनाने जा रही हूँ लाजवाब आटे का हलवा। आटे के हलवे को आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। आटे का हलवा आज मैं कुछ अलग तरीके से बनाने जा रही हूँ जो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं फटाफट से किचन में और आटे का हलवा बनाना शुरू करते हैं। गेहूं के आटे का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप दूध, 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप देसी घी, 1 कप चीनी, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, थोड़ा सा नारियल का बुरादा, यह तीनों पूरी तरह ऑप्शनल है, थोड़ा सा इलायची पाउडर। चलिए गेहूं के आटे का हलवा बनाना शुरू करते हैं। पहले हलवे में डलने वाले शुगर सिरप को बनाएंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए पैन को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अब इसमें दूध को डालेंगे। अब इसमें चीनी डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध में चीनी और इलायची पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है। दूध में अब एक उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आना शुरू हो चुका है। शुगर सिरप बनकर तैयार है। चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। आटे को डालेंगे। आटे को हल्का ड्राई रोस्ट करेंगे। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। आटा हल्का रोस्ट हो चुका है। आटे में से हल्की हल्की महक आनी शुरू हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे देसी घी। थोड़ा सा देसी घी बचा लेंगे। घी को आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे। आटे को घी में तब तक भूनना है जब तक आटा घी ना छोड़ दे। आटे को लगातार चलाते हुए भूनना है। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। घी आटे में से अलग होना शुरू हो चुका है। आटा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें डालेंगे बादाम। अब इसमें डालेंगे काजू, नारियल का बुरादा। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें डालेंगे शुगर सिरप जो हमने अभी बनाया था। शुगर सिरप को धीरे धीरे डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे 2 मिनट तक लगातार चलाते रहना है। अब इसमें डालेंगे बचा हुआ देसी घी। देसी घी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। दो मिनट हो चुके हैं। हलवा बनकर तैयार है। चलिए इसे सर्व करते हैं। काजू के चूरे से गार्निशिंग करेंगे। बादाम के चूरे से गार्निशिंग करेंगे। लीजिए, आटे का हलवा बनकर तैयार है। इसे मैं एंजॉय करती हूँ अपनी फैमिली के साथ। आप भी इस आटे के हलवे को जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी पसंद की कोई भी रेसिपी वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं न्यू रेसिपी वीडियो के साथ। थैंक यू।